बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त का बड़ा अपडेट हम दर्शकों को बता देते हैं। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें बीजेपी के खेमे में यहाँ नजर आती दिखाई दे रही हैं, और क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ती भारतीय जनता पार्टी। एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से बिल्कुल देखिए, 2019 के जो नतीजे थे दोहराती हुई एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में दिखाई दे सकती है। हालांकि छत्तीसगढ़ में देखिए 10 सीटें बीजेपी के पास है, एक सीट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 29 सीटें कांग्रेस के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस के पास एक भी सीट मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। तो एमपी की बात करें जहां शुरुआती दौर में 28 सीटें फिर एक का रेशियो, 28 एक का रेशियो दिखाई दिया, 2-3 सीटें भी जाती दिखाई दी। फिलहाल मध्य प्रदेश में बड़ा अपडेट यही है कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास आगे बढ़ती बीजेपी दिखाई दे रही है, और एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। वैसे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी, ये वो राज्य जहां पर बीजेपी मजबूत है, ये वो राज्य जहां से बीजेपी को उम्मीद थी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पर दिखाई दे रही है। रुझान में एमपी में बीजेपी सभी 29 सीटों पर आगे है, क्लीन स्वीप की तरफ आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब पूछा गया था सीटों को लेकर तो उनका कहना यही था कि क्लीन स्वीप की तैयारी में है हम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, तो रुझान में एमपी में बीजेपी सभी 29 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे है, तो एक सीट पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। अमेठी की बात करें तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, स्मृति ईरानी पीछे दिखाई दे रही है। देखिए जो पहले राउंड का यहाँ पर रुझान सामने आया था, स्मृति ईरानी उसमें आगे थी, फिर उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे राउंड में स्मृति ईरानी तभी से पीछे दिखाई दे रही है, और कांग्रेस की किशोरी लाल आगे दिखाई दे रहे हैं। और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, राधेश्याम छतरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से हमारे साथ गौरव बने हुए हैं, इसके अलावा नीलम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। सबसे पहले मैं गौरव आपका रुख करना चाहूंगी, इंदौर की बात करें तो जब से अक्षय कांति बम वाला चैप्टर यहाँ देखने को मिला तभी से बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, हालांकि कांग्रेस ने कोशिश की थी नोटा वाले फैक्टर को चलाने की। फिलहाल वहां पर क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, लगातार यहाँ पर अभी मतगणना जारी है, और जिस तरीके के अभी तक रुझान सामने आए हैं तो करीब 4 लाख से ज्यादा वोटों से जो शंकर लालवानी हैं वो आगे हैं, और कहीं ना कहीं जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी लीड है उनके सामने और कोई भी प्रत्याशी उनके सामने नहीं है, और जितने भी प्रत्याशी सब निर्दलीय हैं, और एक प्रत्याशी जो बहुजन समाजवादी पार्टी से थे वो उनके साथ खड़े हुए थे, जिनको इंडिया गठबंधन के